हेलो एवरीवन, मैं डीएन सर। आज हम लोग द टाइगर किंग का पार्ट सेकंड का स्टडी करेंगे, जिसे देखें। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। डे बाय डे मीन्स दिन प्रतिदिन। यानी क्राउन प्रिंस राजकुमार जंग जंग बहादुर, राजकुमार जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और तगड़ा होता गया, लंबा और शक्तिशाली होता गया। नो अदर मिरेकिल, मिरेकिल में होता है चमत्कार। नो अदर मिरेकिल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। देखिए, नो अदर मिरेकिल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड, पहले से ही वर्णित घटनाओं को छोड़कर, पहले से ही ऑलरेडी पहले से ही वर्णित घटनाओं को छोड़कर उसके बचपन में कोई खास चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, मतलब लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, यानी लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध ड्रैंक पिया। वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और अंग्रेजी दाई के हाथों पला। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा पढ़ाया गया। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, अंग्रेजी फिल्मों के सिवाय कुछ नहीं देखा। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, ठीक उसी तरह। एग्जैक्टली एज, ठीक उसी तरह, जिस तरह से भारत के अन्य प्रांतों के राजकुमार करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भारत के अन्य प्रांतों के राजकुमार करते हैं। When he came of age at 20, जब वह 20 वर्ष का हुआ, the state which had been with the court of wards until then come into his hands, मतलब कहा जा रहा है कि जब वह 20 वर्ष का हुआ तो प्रांत जो अब तक संरक्षक दरबारियों के सहारे था, तो प्रांत जो अब तक संरक्षक दरबारियों के सहारे था वह अब स्वतंत्र रूप से उसका राजा बन गया था। क्लियर? कहा जा रहा है कि प्रांत जो अब तक संरक्षक दरबारियों के सहारे था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स अब तक संरक्षक दरबारियों के सहारे था, वह अब स्वतंत्र रूप से उसका राजा बन गया था। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी, और प्रिडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी। परंतु एवरीवन इन द किंगडम, राज्य में प्रत्येक आदमी रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी को याद थी। कहा जा रहा है कि परंतु राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। मेनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, बहुत से लोग इस मामले में बातचीत करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, और धीरे धीरे महाराजा के कानों तक भी ये बातें पहुँची। देयर वर इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल में होता है अनगिनत,
असंख्य फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम। देखिए कहा जा रहा है कि प्रतिबंधपुरम में प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे। प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें बाघ थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा ने इस पुरानी कहावत को जानता था। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए आप तो गाय भी मार सकते हो। आत्मरक्षा के लिए आप तो सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, आत्मरक्षा के लिए आप तो गाय भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के लिए तो कहा जा रहा है कि और निस्संदेह आत्मरक्षा के लिए बाघों को मारने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। कहा जा रहा है कि और आत्मरक्षा के लिए बाघों को भी मारने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंट, महाराजा ने बाघों का शिकार करना आरंभ कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड में सदा रोमांचित हो जाना, मतलब कहा जा रहा है कि व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब महाराजा ने प्रथम बाघ को मारा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने राज ज्योतिषी को बुलाया। एंड शोड हिम द डेड बिस्ट, और उसे मरा हुआ पशु या बाघ को दिखाया। बिस्ट मीन्स होता है पशु, जानवर। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, अब आप क्या कहते हो। व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हैं। ही डिमांडेड, उसने पूछा। योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर्स, उसने कहा महाराजा आप बिल्कुल इसी ढंग से 99 बाघ मार दें। उसने कहा कि महाराजा, योर मजेस्टी, महाराजा आप बिल्कुल इसी तरह से 99 बाघों को मार दें। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉन्ड, ज्योतिषी का स्वर थोड़ा सा ढीला पड़ गया। बट व्हाट, परंतु क्या। स्पीक विदाउट फियर, स्पीक विदाउट फियर, मतलब निर्भीक होकर के बोलो। क्या कहा उसने कि निर्भीक होकर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर्स, परंतु आपको शामा बाघ से बहुत अधिक सावधान रहना पड़ेगा। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर, परंतु आपको शामा बाघ से बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, तब दे किल्ड। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, तब उसने कहा यदि शामा बाघ भी मारा गया तो। व्हाट इफ द 100 टाइगर, यदि शामा बाघ भी मारा गया तो। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तब मैं ज्योतिषी की अपनी सभी किताबें फाड़ दूंगा। बोला तब मैं अपनी ज्योतिषी की सभी किताबें फाड़ दूंगा।
सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड और आई शैल कट ऑफ माई टॉट, देखिए उसने कहा कि मैं अपने चोटी कटवा दूंगा। टप मीन्स होता है चोटी या बालों का गुच्छा। तब उसने कहा कि मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मैं अपने बाल छोटे करा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और बीमा विक्रेता बन जाऊंगा। द डिस्क्लोजर फिनिश्ड ऑन एन इन कोहेरेंट नोट, जोशी ने अटकते अटकते, इनकोहेरेंस मीन्स इनकोहेरेंट मीन्स अटकते अटकते, जोशी अटकते अटकते अपनी बात को पूरी की। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उस दिन से, फ्रॉम दैट टाइम या फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग, मतलब उस दिन से प्रतिबंधपुरम में इनहैबिटिंग रहने वाले बाघों के लिए उत्सव का समय था। क्लियर, उस दिन से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले बाघों के लिए सेलिब्रेशन उत्सव का दिन था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा। देखिए द स्टेट बैंड, बैंड में से रोक लगा दिया या निषेधित, यानी राज्य ने महाराज के अतिरिक्त, राज्य ने महाराज के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, प्रोक्लेमेशन में होता है घोषणा, इस बारे में एक घोषणा इशूड जारी की गई। टू द इफेक्ट दैट इफ एनी वन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट टाइगर, यह घोषणा जारी की गई कि यदि किसी ने बाघ पर पत्थर तक फेंका या यदि किसी ने बाघ पर पत्थर तक भी फेंकने का साहस किया तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी संपत्ति कन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वाउड, वाउड मीन्स प्रतिज्ञा करना। द महाराजा वाउड, महाराजा ने प्रतिज्ञा की कि ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द हंड्रेड टाइगर्स। महाराजा ने प्रतिज्ञा की कि वह अन्य कामों की ओर तभी ध्यान देंगे जब 100 बाघ मार लेंगे। मंदली किलिंग 100 टाइगर्स, वह अन्य कार्यों की तरफ तभी ध्यान देंगे जब वह 100 बाघ मार लेंगे। इनिशियली मीन्स आरंभ में। इनिशियली द टाइगर सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, आरंभ में लगा कि राजा अपनी आकांक्षा पूरी कर लेंगे। इनिशियली आरंभ में लगा कि राजा अपनी एम्बिशन आकांक्षा को पूरा कर लेंगे। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, देखिए ऐसी बात नहीं है। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसी बात नहीं है कि उसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। नॉट दैट
ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसी बात नहीं है कि उसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। देयर वर टाइम्स वेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसा समय भी आता है जब गोली अपना निशाना चूक जाती है, जब गोली अपना निशाना मिस्ड चूक जाती है। द टाइगर लिप्ट अपॉन हिम, बाघ उस पर झपट पड़ता है। एंड ही फॉट द बेस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उसे पशु के साथ खाली हाथ लड़ना पड़ता है। इस टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, हर बार जीत महाराजा की ही होती है। देखिए, हर बार वॉन जीत महाराजा की ही होती है। एट अनादर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक बार या पैसे कहें कि एक अन्य समय पर, एट अनादर टाइम एक अन्य समय पर उसे अपने सिंहासन को, थ्रोन मीन्स सिंहासन, अपने सिंहासन को खोने का खतरा भी हो गया। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च पद का ब्रिटिश अधिकारी, एक उच्च पद का ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में आया, ठीक है, एक उच्च पद का रैंकिंग पद, एक उच्च पद का ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में विजिटेड आया। He was very fond of hunting tigers. वह बाघों के शिकार का शौकीन था। He was very fond of hunting tigers. वह बाघों के शिकार का शौकीन था। And fonder of being photographed with the tigers. और बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का भी वो फाउंडर था, शौकीन था। ही हैड शॉट, मतलब कहा जा रहा है कि, और वह मारे गए बाघों के साथ, ही हैड शॉट, मारे गए बाघों के साथ वह फोटो खिंचवाने का भी शौकीन था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विस्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, हमेशा की तरह उसने प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करना चाहा। बट द महाराजा वॉज फॉर्म इन हिज रिसॉल्व, परंतु महाराजा अपने इरादे पर कायम था, रिसॉल्व इरादा। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं और किसी भी शिकार का प्रबंध कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन बोर हंट, आप एक बोर, जंगली सुअर, बोर में से जंगली सुअर, आप एक जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप चूहे का शिकार कर सकते हैं। You are ready for mosquito hunt. Mosquito hunt. आप मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। But tiger hunt, परंतु बाघ का शिकार, that's impossible. यह असंभव है। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अंग्रेज अधिकारी ने, द ब्रिटिश ऑफिसर्स, अंग्रेज अधिकारी के सचिव, सेक्रेटरी में सचिव, अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने यह बात दीवान के द्वारा महाराज तक पहुंचाई।
कि महाराज तक पहुंचाई कि खुद कि थ्रू द दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि खुद दुराई को बाघ मारने की ज़रूरत नहीं है, कि खुद दुराई को बाघ मारने की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तव में शिकार महाराजा ही कर सकते हैं। देखिए द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तव में शिकार महाराजा ही कर सकते हैं। व्हाट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई वॉज फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकस। देखिए कैरकस का सेंस होता है लाश, कोई भी लाश होती है, कोई भी मेरा जीव हो सकता है, उसको कैरकस कहेंगे, लाश कहेंगे। तो देखिए व्हाट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई, मतलब कहा जा रहा है दुराई के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वह है मरे हुए बाघ के हाथ में बंदूक लेकर, मरे हुए बाघ पर हाथ में बंदूक लेकर खड़े होकर फोटो खिंचवाना। इम्पॉर्टेंट टू दुराई वॉज फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर टाइगर्स कर्कस, मतलब बाघ पर हाथ में बंदूक लेकर खड़े होकर फोटो खिंचवाना। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस पर भी सहमत नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वह अब मान गए, कहा जा रहा है यदि वह अब मान गए, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, यदि वह मान गए और अन्य अफसर बाघ के और अदर ब्रिटिश ऑफिसर और अन्य अफसर बाघ के शिकार पर आने लगे तो क्या होगा। कहता है कि यदि वह मान गए और अन्य अफसर बाघ के शिकार करने आने लगे तो क्या होगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उसने एक अंग्रेज अधिकारी को, ब्रिटिश ऑफिसर अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था, प्रिवेंटेड में से रोका था, क्योंकि उसने एक अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर फॉर लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, इसलिए महाराजा को अपने राज्य को खोने का खतरा था, इसलिए महाराजा को अपने राज्य को खोने का, लूजिंग खोने का डेंजर खतरा था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलीब्रेशंस ओवर दिस इशू, महाराजा और दीवान ने इस बात पर विचार विमर्श किया। देखिए डेलीब्रेशंस विचार विमर्श, महाराजा और दीवान ने इस बात पर विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कलकत्ता में एक अंग्रेजी ज्वेलर्स कंपनी के पास झट से एक टेलीग्राम भेजा गया, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स,
द डिफरेंट डिजाइंस, अलग अलग डिजाइनों की हीरो की कीमती अंगूठियों के नमूने भेजो। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। यानी क्या टेलीग्राम भेजा गया? यह टेलीग्राम भेजा गया कि डिफरेंट डिजाइंस, अलग अलग डिजाइनों की डायमंड हीरे की कीमती अंगूठी के नमूने भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 25 अंगूठियां आई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने सभी अंगूठियां अंग्रेज अफसर की पत्नी के पास भेज दी। महाराजा ने सभी अंगूठियां अंग्रेज अफसर की पत्नी के पास भेज दी। द किंग एंड मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराईसानी टू चूज वन और टू रिंग्स। मतलब कहा जा रहा है कि राजा और मंत्री को उम्मीद थी कि दुराईसानी एक या दो अंगूठी चुनेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराईसानी सेंट हर रिप्लाई। बिना समय गंवाए ही दुराईसानी ने अपना उत्तर भेज दिया। विद इन नो टाइम एट ऑल बिना समय गंवाए ही दुराईसानी ने अपना जवाब शीघ्र ही भेज दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहारों के लिए धन्यवाद। इन टू डेज अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। दो दिन में ब्रिटिश ज्वेलर के पास से 3 लाख का बिल आया। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश था। दैट थ्रू ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, था कि यद्यपि उसका 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ही हैड मैनेज टू रिटर्न हिज किंगडम, वह अपना राज्य बचाने में कामयाब हो गया। ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, पर वह अपने राज्य को बचाने में कामयाब हो गया।